रूम पे आए और बाथरूम में जितना भी नल कनेक्शन है उसमें जो हमारा करंट आ रहा है आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर टेस्टर जो है, यहाँ पर लैम्प लाइट हमारा शो कर रहा है, आपको अंधेरे करके दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो है नहाने के लिए हमारे भैया आए। हेलो दोस्तों, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों अर्थिंग लीकेज करंट, जो हमारा आता है जैसे कि न्यूट्रल अर्थिंग पॉइंट फ्लो में, तो उसके बारे में है आपको वीडियो बताते हैं और किस तरीके से इसको रिपेयरिंग और सुधारते कैसे उसको आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम था जैसे कि बाथरूम में हमारे नल और शावर में करंट आ रहा था, तो हम वहाँ पर बनाने के लिए गए हैं तो पता चलता है यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम था। ठीक है, वहाँ पर अर्थिंग नहीं था पहले से, तो उस अर्थिंग में नहीं था प्रॉब्लम, पूरा डिटेल में बताएंगे। अब वीडियो पर बने रहिए, आपको लेके चलते हैं हमारे टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक बाथरूम पे आए और बाथरूम में जितना भी नल कनेक्शन है उसमें जो हमारा करंट आ रहा है आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर टेस्टर जो है, यहाँ पर लैम्प लाइट हमारा शो कर रहा है, आपको अंधेरे करके दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो है नहाने के लिए हमारे भैया आए यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट लगा तो हम अपने को बुलाए यहाँ पर चेक करने के लिए। तो ये आपको इसका प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्व करके आपको देखेंगे कहाँ से हमारा प्रॉब्लम। जितना भी नल पॉइंट है हमारे पानी में से यहाँ से भी करंट आ रहा है, तो देखिए। और एक हमारे पास गीजर है, गीजर तो हमारा ऑफ है अभी, अभी ऑन नहीं किए हैं, तो यहाँ से तब भी से यहाँ करंट अपने को मिल रहा है, तो आपको दिखाते हैं। एक और नल है इधर, गीजर का स्विच है 20 एम्पियर का, इसको भी ऑन करते हैं उसके बाद चेक करते हैं। देखिए पावर ऑन करने के बाद भी आपको पता कर चेक करके दिखाते हैं, यहाँ भी अभी भी करंट आ रहा है अपना देख सकते। देखिए स्विच ऑफ कर देते हैं और इसका प्रॉब्लम ढूंढते हैं कहाँ से हमारा लीकेज करंट आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्लग पॉइंट है हमारा, उस प्लग पॉइंट निकालेंगे 3 पिन टॉप को। देख सकते हो दोस्तों, हम वहाँ पर 3 पिन टॉप था यहाँ पर गीजर का, उसका जो पॉइंट हम लोग बाहर कर दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। देख सकते हो कि यहाँ पर लाइट करंट नहीं आ रहा, टेस्टर हमारा लैम्प नहीं ऑन है, देख सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से है उसको भी ढूंढते हैं। पहले 3 पिन टॉप ही गाले तो हमारा लाइट यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब यहाँ करंट फ्लो नहीं, पॉइंट पे अपना करंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व यहाँ से नहीं होगा, इसको जो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर अर्थिंग पे कितना फेस आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे, अब उसके बाद बताते हैं आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर बाथरूम का बाहर में एक बोर्ड है, तो ये 5 पिन सॉकेट है, तो आपको बताते हैं इसमें न्यूट्रल और फेस और अर्थिंग किस तरीके करके बताते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर फेस है, ये स्विच ऑन किया तो फेस आ रहा है। उसके बाद न्यूट्रल टेस्ट करते हैं, न्यूट्रल में नहीं, ठीक है, इसका अर्थिंग चेक करो। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम हमारे अर्थिंग पॉइंट में है, तो यहाँ पर अर्थिंग हमारे को लगा नहीं है घर पर, तो इसलिए जो है करेंट आ रहा है यहाँ पर। अर्थिंग लीकेज करेंट जो है हमारा इतना फ्लो नहीं होता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर में टेस्ट करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक मल्टीमीटर है और हम रखे हैं 750 वोल्ट पे, ठीक है। और इसको देखिए माइनस प्लस है, इसमें जो हमारा माइनस, देखिए ब्लैक वायर जो लगता है हमारा एन में और एल में, देखिए 216 है। उसके बाद देखिए बीच ऊपर पॉइंट में अर्थिंग पॉइंट में लगाते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर जितना भी फ्लो हो रहा है हमारा लाइन सप्लाई और अर्थिंग में भी हमारा फेस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए और फेस से हमारे को कहीं पर लीकेज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है फेस आ रहा है। देख सकते हो वोल्ट मीटर हमारा जितना सप्लाई नीचे में आ रहा है, अर्थिंग पॉइंट में भी सप्लाई वहाँ फेस आ रहा है, तो कहीं पर इसका प्रॉब्लम है। पहले इसको ढूंढते हैं, पहले आपको नीचे पॉइंट में आपको और एक बार चेक करके दिखाते हैं जो हमारे फेस न्यूट्रल है, ठीक है। और उसके बाद देखिए न्यूट्रल पॉइंट में रखेंगे ब्लैक वाला पॉइंट को और रेड वाले के ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पर भी 219.17 आ रहा देख सकते हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा फेस आ रहा है। ठीक है, तो जितना भी बोर्ड है आपको एक एक करके एक दो बोर्ड को चेक कर रहा है यहाँ पर, तो आपको उसको भी चेक करके दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर 228.27 आ रहा है वोल्टेज यहाँ पर। उसके बाद दूसरा पॉइंट में अपन चेक करते हैं जो हमारा अर्थिंग में, तो अर्थिंग में भी उतना ही सप्लाई आ रहा है, तो 100% यहाँ पर प्रॉब्लम है, लीकेज जो हमारा नहीं होता, कहीं पर ये फेस आ रहा है हमारे अर्थिंग पॉइंट में। तो इसका प्रॉब्लम 2-3 जगह से प्लग पॉइंट जैसे कि 3 पिन टॉप लगता है, उसको सबको ओपन करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से इसका प्रॉब्लम ढूंढना है। यहाँ पर देखते हैं 3 पिन टॉप तो नहीं है यहाँ पर, ये 2 पिन टॉप लगा यहाँ पर। और इसके बाद चार्जिंग सॉकेट भी देख लेते हैं, ये भी 3 पिन टॉप।
और ये देखिए टू पिन, दो जगह तो अपन चेक कर लिए हैं। उसके बाद होल में आर का पॉइंट भी बाहर है, इसको लगाया नहीं, फिटिंग नहीं किया अभी, तो यहाँ पर नहीं होगा प्रॉब्लम। बताते हैं एक फ्रिज है यहाँ पर, तो फ्रिज में एक प्लग बोर्ड बाहर से लटकाया है यहाँ पर, तो इसमें जो हम लोग चेक करते हैं इसमें भी करंट आ रहा है, नहीं लीकेज करें, इसमें भी करंट आ रहा है अपना देख सकते हो। तो दोस्तों एक बोर्ड हमारा लगा था फ्रिज पे, तो 1.3 पॉइंट यहाँ भी लगा है, तो इसको ओपन करके देखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। कूलर लॉक का पॉइंट बाहर कर दिए और इसको ऑफ करते हैं और ये पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद हम बोर्ड लॉक को चेक करेंगे। ये 3 पिन टॉप बाहर कर दिए, उसके बाद देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारा अर्थिंग पे करंट शो नहीं कर रहा है, मतलब ये 100% बन चुका। तो ये जो प्रॉब्लम था हमारा ये 3 पिन टॉप से था, ठीक है। ये 3 पिन टॉप है, डिक्शन बोर्ड आपको बताते हैं, इसको लगाने के बाद उसको चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लगा दिए, उसके बाद देखिए 3 पिन टॉप से यहाँ पर लीकेज जो करंट है हमारा इसी से फ्लो हो रहा है। तो ये जो लीड है हमारा ये जो है रेडीमेड मिलता है दुकान पे, तो यही बोर्ड का प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे पास ये देखिए अर्थिंग में हमारे पास फेस जा रहा था, देख सकते हो काफ़ी हेवी फेस जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्विच बंद कर देने से हमारा फेस जो है कट जा रहा है, ठीक है, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर स्विच बंद कर दी, कट जा रहा है। तो अब हम आपको चेक करके बताएं, बोर्ड है और इसको हम लोग जो ओपन करते हैं इसका वायरिंग चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसी से, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो अर्थिंग वायर है और ये फेस और न्यूट्रल, ठीक है, ब्लैक और रेड, तो अर्थिंग वाले को पॉइंट निकालते हैं और उसके बाद आपको चेक करके देखेंगे जो बोर्ड का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये हमारा वायर है, देख सकते हो रेड ब्लैक, और इसमें प्लग करते हैं और चेक करेंगे कौन सा प्रॉब्लम हमारा। देखिए यहाँ पर आपको चेक करके बताते हैं, रेड वाले में फेस आ रहा है, उसके बाद ब्लैक में हमारा सही है न्यूट्रल, ठीक है, उसके बाद अर्थिंग वाले में चेक करते हैं। देखिए अर्थिंग, तो ये जो है प्रॉब्लम हमारे वायर पे था, ठीक है, ये देख सकते हो ये इंडक्शन बोर्ड में जो वायर है हमारा इसी में प्रॉब्लम है हमारा। तो हम क्या करेंगे इसको जो है बाहर करेंगे और ये पॉइंट ये बोर्ड को बाहर करके इसमें वायर जो है प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो वायर को हमारा ख़राब है, चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए दोस्तों, देखिए ये वायर ख़राब था, तो ये प्लग बोर्ड जो हमारा 3 पिन टॉप है उसको बाहर कर लेते हैं और पूरा जगह का चेक करते हैं अभी। देखिए दोस्तों यहाँ पर बाथरूम के पास हम लोग आए हैं, देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल इंडिकेटर शो नहीं। तो हम प्लग पॉइंट यहाँ का आपको चेक करके बताते हैं, यहाँ भी अपना करेंट फ्लो नहीं हो रहा है, देख सकते हो। तो ये जो है हमारा इसमें भी प्रॉब्लम था, तो आपको बताया बाथरूम से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा था, तो हम यहाँ पर चेक करने से आए पहले 3 पिन टॉप लगा लेते हैं और उसके बाद गीजर भी ऑन करेंगे अभी। और गीजर ऑन करने के बाद जितना भी इक्विपमेंट है हमारा जो नल का उसमें आपको चेक करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर गीजर का स्विच ऑन कर दी, मतलब यहाँ पर इंडिकेटर शो हो गया हमारा पावर और हीटिंग का, तो उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पर टेस्ट करके बॉडी पे, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम जो बिल्कुल 100% सॉल्व हो गया, और यहाँ पर टेस्टर पे देख सकते हो बिल्कुल करंट नहीं आ रहा, और जितना भी इक्विपमेंट है हमारा बिल्कुल करंट नहीं लग रहा। यहाँ पर पानी भी खोल लेते, देखते पानी से लगाते इसको, यहाँ पर पानी से भी करंट नहीं आ रहा, मतलब ये 100% है, ये गीजर का प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों, न हमारा वायर कटा था कहीं पर। आपको बताएं एक 3 पिन टॉप था, और देखिए यहीं पर 3 पिन टॉप में हमारा प्रॉब्लम था, तो इसको बनाने के बाद हम लोग इसको बाहर कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अर्थिंग नहीं है, हम इसका अर्थिंग भी बनाएंगे और इसमें अर्थिंग जोड़ने वाले हैं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसको सुधारते हैं। और यहाँ पर देखिए लगाने के बाद बिल्कुल टेस्टर से करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो जो हमारा कैसा था आप बिल्कुल कमेंट करके बोल सकते हो, और वीडियो अच्छे लगा हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक।